हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो जब बात करने वाला हूँ एमएलबी लीग के सैन फ्रांसिस्को जायंट्स वर्सेस सैन डिएगो पैड्रेस एमएलबी लीग के बेसबॉल मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। हम बात करेंगे डिटेल की ड्रीम टीम के बारे में, जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी टीम देता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर आ जाइए और सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11, आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और काफ़ी अच्छी खासी टीम से काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। और कल से हम दोस्तों फुटबॉल की टीम भी देंगे, क्योंकि मैंने दोस्तों 3 से 4 मैच ट्राई किया फुटबॉल के और मेरी जो प्रेडिक्शन है काफ़ी अच्छी खासी हुई है। मैं आपको गारंटी दूं 10 मैच कवर करूँगा तो 7 मैच हम अल्ट्रा क्लीनशिप करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर आने के बाद विजन 11 का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो विजन 11 को आपको डाउनलोड कर लेना है और काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट कमा लेना है, क्योंकि जो विजन 11 है यहाँ पर काफ़ी कम कॉम्पिटिशन है और काफ़ी कम एंट्री फीस है, आपके जीतने के 20% तक बढ़ जाते हैं। तब तक दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो अब बात की जाए कि इस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो SFG सैन फ्रांसिस्को जायंट्स के बारे में बात करें तो जायंट्स एक काफ़ी अच्छी खासी टीम है। इन्होंने अभी तक 159 मैच प्ले किए, जहाँ पर 106 में विन और 53 मैचों में लॉस का सामना है। तो पता चल रहा है कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल की टीम है। और मैं वही बात करूँ SDP की पैडर्स के बारे में, तो SDP भी ठीक ठाक ही टीम है। इन्होंने अब तक 160 मैच प्ले किया, जहाँ पर 78 में विन और 82 मैचों में उसका सामना है। तो पता चल रहा है कि दोस्तों हम जो हमारा कॉम्बिनेशन हो हम क्या बनाकर चल सकते हैं। मैंने दोस्तों वहाँ पर 4 और 5 का ट्राई किया, बाकी सब बेस्ट आपके लिए 5 और 4 का ही रहने वाला है। तो बाकी मैं ड्रीम टीम बना चुका हूँ, जो इसी टाइम को देने वाला हूँ। तब तक दोस्तों मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छी टीम टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप कम्युनिटी में कौन से फील्डर, कौन से फील्डर, कौन से पिचर, कौन से कैचर, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आप घंटे तक वॉच कर रहे हैं, जो वीडियो घंटे तक वॉच करेगा उसको इस मैच में काफी अच्छी खासी विनिंग टीम प्लस दोस्तों काफी अच्छी खासी नॉलेज मिलने वाली है। तो हम स्टार्ट करेंगे वो फील्डर सेक्शन से अमेटर्स के बारे में। तो काफी नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस रहता है लास्ट 2 मैच, दोस्तों आपको इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आप कोई भी प्लेयर का चेक करना, आपको 0-0 पॉइंट देखने को मिलेंगे लास्ट 2 मैच। ओके, बाकी ट्राई करना दोस्तों, यहां पर जो इनका परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है, एक अनुभवी दोस्तों और भरोसेमंद प्लेयर है। आप माइक को अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। और दोस्तों, जो फाइनल टीम होती है वो आपको स्टैट के ऊपर मिलती है, स्टैंड निकालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, फिर आपको फाइनल टीम देता हूँ टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना प्लीज़ से दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो फाइनल टीम होगी वो आपको बताएं कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर। ग्रीसम आपके लिए काफ़ी अच्छी गाइस चॉइस है दोस्तों, लेकिन मैं फिलहाल अपनी टीम से ड्रॉप लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना जरूरी होता है और फॉर्म भी आपके लिए गुड चॉइस है, लेकिन मैं फिलहाल इनको अपनी टीम से ड्रॉप ही रखने वाला हूँ। तो स्लैटर के बारे में बात करें तो जो स्लैटर का परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा खासा, तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको दोस्तों इनको क्या कहते हैं इग्नोर करना है, आपको यहाँ से देखना है। तो इनका परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा खासा था और मेजोरिटी का लेवल भी काफ़ी कम था, इसी कारण मैंने इनको अपनी टीम के लिए उठाया। और मान लीजिए दोस्तों इनका जो मेजोरिटी इतना भी रहा, मैं ये मैच आपको एक तरफा क्लीनशिप करवा दूंगा, बाकी मुझे लगता है कि जो स्लैटर है इन काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर दोस्तों लगता है ही, वो तो अच्छा काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर और सिलेक्टेड भी काफी ज्यादा रह सकता है। मेयर्स के बारे में बात करें तो मेयर मेरे लिए रिस्क होने वाले हैं दोस्तों, देखिए दो को इग्नोर करना, उसके बाद चेक करना है। यहाँ पर फ्लॉप रहे हैं, उसके काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, यहाँ पर फिर से फ्लॉप रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों फिर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों ये पता चला कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाले, प्रेडिक्शन भी काफ़ी अच्छी खासी है और तुक्का भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों जो फाइनल टीम होगी वो तो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी और वो स्टैट के ऊपर ही मिलने वाली है। दोस्तों बात करूँ इनफील्डर सेक्शन से तो टैटिस फर्नांडो मैं आपको बताऊँ, दो आपको करना है इग्नोर करना है, उसके बाद परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनका रहता ही रहता है। आप इन्हें कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, इस मैच का सबसे बड़ा सबसे अनुभवी प्लेयर भी आप इन्हें कहके चल सकते हैं, भरोसेमंद प्लेयर दोस्तों फर्नांडो टैटिस। और आपका जो अपोनेंट होगा वो भी फर्नांडो टैटिस को ही अपनी टीम में कैप्टन रखे। बाकी दोस्तों मैं कुछ यूनिक करने की सोच रहा हूँ, उन्हें कैप्टन फिर वो कैप्टन नहीं बनाकर मैं सिर्फ एज अ प्लेयर लेके लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन रिस्क देखते हैं कि लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। मकाडो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी चॉइस है, ये इनको आप वॉइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो इनका परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा रहता है। 1-2 मैच देखने को मिलता कि 1 या 2 होमरन लगा देते हैं, जिससे हमें काफ़ी अच्छा खासे प्रॉफिट हो जाते हैं और हम काफ़ी अच्छी खासी विनिंग कर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप बात करें बेल्ट के बारे में, तो बेल्ट मेरे लिए दोस्तों एक टाइम में इतना बड़ा प्लेयर था कि मैं कुछ कह नहीं सकता। इस प्लेयर से मैंने कम से कम भी 4 से 5 मैच को क्लीन स्वीप किया था, ऐसे जन के जायंट्स के जो मैच थे मैंने एक तरफा दोस्तों विन किए थे, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस इतना डाउन गया शायद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने काफ़ी मोटे पैसे विन कर लिए दोस्तों, मेरे आपसे तो मैंने यहाँ पे 20-20,000 प्लस से ज़्यादा का अमाउंट विन कर लिया था सिर्फ इन 5 मैचों में, क्योंकि जो बेल्ट था इन ज़्यादा बंदों का ध्यान नहीं था। आप देखिए
कितना मैच जोटे ले, कितना मेरे अपोनेंट के पास दोस्तों इस मैच में था, लेकिन इस मैच में बिल्कुल भी नहीं था, और उससे नेक्स्ट मैच में बिल्कुल भी नहीं था, और लगभग मैंने 4 मैच विन किया था, और ये मैच भी मैंने विन किया था, बैटरी चले थे, लेकिन दोस्तों ब्रैंडन क्रॉफर्ड चले गए थे, इसी कारण मैंने इस मैच को विन कर लिया था। तो अब बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट प्लेयर होस्मर के बारे में, तो होस्मर आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी चॉइस है। आपको देखने को मिला कि लास्ट मैच का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन था, उससे पिछले मैच का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा रहता है, लेकिन दोस्तों जो फाइनल टीम होगी मैं आपको देने वाला हूँ, तो टीम के बारे में 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करूँ दोस्तों पिचर के बारे में, तो पिचर मैंने फिलहाल काजमीर को ट्राई किया है दोस्तों, प्ले नहीं करेंगे मुझे लगता है, बाकी जो परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा खासा था। अपनी ग्रैंडली की टीम में आप इन्हें वोस्कर में ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं दोस्तों। बात करूँ कैचर के बारे में, तो मैंने कैराटिनी को ट्राई किया है, कैराटिनी आपके लिए सबसे बेस्ट सोच, अगर प्ले करते हैं तो सबसे बेस्ट दोस्तों, बिना आंखें बंद करके आपको इनको अपनी टीम के लिए उठा लेना है, कैराटिनी से बड़ी चॉइस आपके लिए नहीं होने वाली है। और मान लीजिए अगर पोसी प्ले करते हैं फिर नोला प्ले करते हैं, तो ये भी आपके लिए बेस्ट सोच है, फर्स्ट चॉइस आपके लिए नोला रहेगी, आपको ध्यान रखना, फर्स्ट चॉइस नोला रहेगी, सेकंड चॉइस पोसी रहेगी, और थर्ड चॉइस कैराटिनी रहेगी। इन तीनों से कोई भी प्ले करेगा तो आपको उनको ही अपनी टीम के लिए पिक करना है। टीम का प्रयोग करेंगे जहां पर आपको देखने को मिलेगा, मैंने उस टीम में 3 आउटफील्डर, 4 फील्डर, 1 पिचर कैचर को ट्राई किया है। कैप्टन और कैप्टन चॉइस मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि मैं टीम में कैप्टन और कैप्टन किसको ट्राई करने वाला हूं। कैप्टन में फेरनांडो टेडिस को रखूंगा, वाइस कैप्टन में कार्डो को रखूंगा, लेकिन जो फाइनल टीम होगी मैं थोड़ा यूनिक करने की सोच रहा हूं, और यूनिक करने के बाद मैं फेरनांडो टेडिस को शायद अपनी टीम में सिर्फ एज अ प्लेयर लेके चलने वाला हूं। तब तक दोस्तों मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फाइनल टीम के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो पर 20 लाइक्स का एम रखते हैं, देखते हैं कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।